सुबह की शुरुआत हो चुकी है अच्छी प्यारी धूप के साथ एज यूजुअल फाइनली आ गई टचवुड और आज मिस्टू रानू को एक क्या मिला है टास्क क्या मिला है पापा से एक टास्क मिला है इसको एक गाना दिया गया है बिलीवर का मिस्टी है ना बिलीवर बाय इमेजिन ड्रैगन्स और पता है क्या मम्मा आज मैंने अपने नई अचीवमेंट करी है क्या मैंने सिंपली पियानो में ना टॉप 1% में मैं भी आती हूँ हाँ आज हमने मिस्टी का सिंपली पियानो का पूरा स्टैटिक्स देखे तो उसमें बताया था कि इसने इतनी सारी प्रैक्टिस करी ऑलमोस्ट कितने आवर्स है मिस्टी 100 hours से थोड़ा सा ज़्यादा है तो इतना इसने प्रैक्टिस करी है और ये जितने ज़्यादा जो प्रैक्टिस करते हैं सिंपली पियानो में उसमें नंबर 1 पोजीशन में आई मतलब 1% है ना मिस्टी क्या बोलते हैं यार एग्जैक्टली 1% मतलब 1 कितने भी 3 लोग उसके अंदर 4 हाँ समथिंग लाइक दिस तो इसीलिए इसको पापा ने एक और टास्क दिया है बिलीवर का गाना आज ही प्रिपेयर करेगी पियानो के ऊपर और रात को ये और इसके पापा दोनों मिलके करेंगे प्ले मिस्टी करेगी गाएंगे पापा मैं खुशी कान बंद हुए खड़े हो जाएंगे इस मासूम चेहरे के पीछे मत जाओ इन लोगों ने क्या शैतानी करी है ये जो एक पेन था मिस्टी का स्पीको पेन इसका चार्जर खो दिया है और अब इसको ढूंढने में लगे हुए हैं और इसको मेरा अल्टीमेटम दिया अगर आज चार्जर नहीं मिला ना मिस्टी हाँ बेटा कॉल आ रहा है अच्छा साइड में कॉल भी आ रहा है ठीक है तुम्हें बड़ा पता है अभी उठाते हैं मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो साइड में कॉल आ रहा है तो उसको पता चल गया कॉल आ रहा है क्योंकि सब पता रहता है ठीक है अच्छा जोक से पार्ट मेरी बात सुन लो अगर आज ये इसका पेन का वो नहीं मिला ना चार्जर तो देख लेना तुम लोग के सारे टॉय छुपा दूंगी मैं ढूंढने इतनी जगह ढूंढ चुकी है अभी तक मिला नहीं है और कह रही है मम्मा मैं पक्का ढूंढ लूंगी शाम तक लेट्स सी रखा ऐसी नहीं है कहीं जी देखते देखते ये साल भी हमारा कंप्लीट हो ही गया ऑलमोस्ट क्या हो ही गया बस लास्ट के 2 दिन बचे हैं तो आज मैं सोच रही थी कि मैंने इस साल में क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया सबसे अच्छा जो मैंने किया वो ये कि मैंने अपने वेट को कंट्रोल किया और जो बुरा है कोशिश करूंगी नेक्स्ट ईयर उसको ना रिपीट करूं काफ़ी सारी चीज़ें हैं ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये साल भी मेरा अच्छा गया है आई विश कि आने वाला साल भी इतना ही अच्छा रहे कुछ रेजोल्यूशन नहीं लिए बस जो भी चल रहा है वही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मुझे लगता है रेजोल्यूशन बनाने से ना मुझको मतलब मैं वो कंप्लीट कर नहीं पाती जस्ट दैट गो विद द फ्लो जैसा चल रहा है वैसे चलाओ अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा एज यूजुअल और मिस्टी को मिस्टी आप मुझे बताओ कि आपने कुछ सोचा है अपने न्यू ईयर के आपका ये वाला न्यू ईयर कैसा गया अच्छा गया मैंने सोचा न्यू ईयर में सारी रॉयल डाल की बुक पढ़ डालूंगी रॉयल डाल की सारी बुक पढ़ डालोगी नहीं जी इस बार न्यू ईयर पे आप क्या करने वाले हो मिस्टी इस न्यू ईयर पे मिस्टी का प्लान है कि अब ये फिक्शन वाली बुक बंद कर देगी नहीं तो मिस्टी को फिक्शन वाली बुक क्या हुआ वाह ये देखो चीकू मैडम ने क्या किया हाईलाइटर लेके पापा की बुक पे चला दिया और पापा ना बैंड बजाएंगे चीकू देख रहे ये जहाँ जब ये थोड़ी देर तक शांत हो जाए ना तो समझ लो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही रही है और गड़बड़ देख लो क्या किया भागी ये देखो भागी 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 कल हमने घूमा भी काफी ज्यादा थोड़ा बहुत जो कमी रह गई है वो कोविड की वजह से रह गई है तो आई विश कि नेक्स्ट ईयर जो है वो सब कुछ ये सब अच्छा हो जाए ठीक हो जाए और हम अपना घूमने का कोटा भी पूरा कर ले चीकू चीकू से पूछो घूमने में इतना मजा आता है ना अभी ये बोलोगे ना शुरू हो जाएगी हाँ जी ये क्या हुआ ये देखो मैं बताती हूँ इसने क्या किया है मैं भूल ही गई थी इसके बारे में ये मैंने स्नो ग्लोब लेके आई थी इतना प्यारा सा स्नो ग्लोब है इन मैडम ने इसे गिरा दिया देख रहे गिरा दिया ये टूट गया टूटा कहाँ से है यहाँ से नहीं टूटा ये तो टफन ग्लास है यहाँ से टूट गया ये पता है इसके अंदर इतने अच्छे से एक छोटी सी मोटर टाइप कुछ लगी हुई थी और ये पूरा ऐसे राउंड घूमता था और इन लोगों ने इसे गिरा दिया कितना क्यूट था इसे मैं नया लेके आऊंगी एक और इसमें अच्छे से राउंड आए देखो कितना क्यूट है ये नोनू सा तो आपने क्यों तोड़ा इसको ये दोनों मिलके मैं तब से मना कर रही थी मत करो चीकू बोलो चीकू तोड़ती है इसको तो चीकू किसने तोड़ा है इसको बेटा ये दीदी ने दीदी किसने तोड़ा चीकू ने हाँ देख रहे हो दीदी बोली कि चीकू ने चीकू बोली कि दीदी ने चीकू ने किसने तोड़ा दीदी चीकू यही चलता रहेगा चीकू
चलो जितने भी तोड़ा है आगे चल के इसको दोबारा रिपीट नहीं करते, चीजें तोड़ने के लिए नहीं होती। ओके बेटा, दीदी की दीदी को बोलेंगे। सुबह सुबह हुआ है नुकसान। क्या नुकसान हुआ है? ये माइक जो है ना यहाँ पे ऐसे लगा हुआ था, तो मेरे को पता नहीं आगे क्या दिमाग में चढ़ी, मैंने सोचा कि ना इस माइक को ना कुछ अलग तरीके से सेट करता हूँ, और ना इसको बेसिकली मैं चाह रहा था कि मैं इसको ऐसे ऊपर उठा के ऐसे नीचे घुमा के ऐसे हवाबाजी करके बोला करूँगा। क्या बताऊँ यार, इसके पीछे यहाँ पे लगती थी तार, ये देखो ये यहाँ पे, और अब ये इसका अंदर मामला जो है वो हिल गया और अभी माइक काम नहीं कर रहा है। मुझे लगा पहले मुझे आवाज़ आई, मुझे लगा तार टूटी है तार, तो मैंने कोई बात नहीं 500-600 रुपये लगा देंगे, लेकिन भाई फिर पता चला कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है ना ये इसका ये इसमें USB वायर लगती है, ये गया, और ये गया मतलब भाई दिस माइक इज वर्थ ₹10,000, और इसके खुलने के आसार तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, बट ठीक है कोशिश करेंगे इसको ठीक करने के लिए। मैं पापा को दूंगा, पापा जी को ना ये सब चीज़ें करने में एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा मज़ा आता है, तो इसको खोलेंगे और कोशिश करेंगे। अगर ये हो जाता है भाई तो नथिंग लाइक इट। वैसे मेरे पास ऐसे 4 माइक्स हैं, तो मैंने भी स्पेयर वाला जो है वो मंगा लिया है, और अब 3 रह जाएंगे, बहुत ही दुख होगा। बट यार ये सुबह सुबह आके जो चूना लगा है ना, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग यार आके बैठा बस ऑफिस में, और देखो देखो क्या हो गया। देखो ये जो है ना ये आ गया है बाहर निकल के, ये अंदर बाहर हो रहा है। मुझे लग रहा है अंदर जो इसकी वायर के साथ कनेक्शन होगा ना वो टूट गया है, तो मैं माइक लगा रहा हूँ तो वो डिटेक्ट नहीं कर रहा है। एनीवेज अभी तो भाई क्लास है, तो काम चलाएंगे स्पेयर वाले माइक से। इसके ऊपर मैं आपको अपडेट दूंगा कि क्या हुआ है इसका। और पता दुख किस बात का, अच्छा खासा लगा हुआ था, अच्छा खासा। सुबह सुबह मुझे लगा कि ऐसे करके पढ़ाऊंगा आज, ऐसे करके बोलूंगा भाई साहब, हवाबाजी रेडियो जॉकी बनने की, और हो गई भाई हवाबाजी और की। एनीवेज अभी तो काम चलाना है, चलते हैं अभी के लिए। थैंक यू वेरी मच आने के लिए, देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अब हम लोग अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहे क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय, टेक केयर।